हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ वाईफाई स्टूडियोज में, जो कि पार्ट है अन एकेडमी का। तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब? मेरे हिसाब से सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सैटरडे संडे एकदम मस्त गुजरा होगा आप लोगों का। तो सेशन की शुरुआत करते हैं। आप यहाँ पे पढ़ने वाले साइंस साइंस के 5000 MCQ की सीरीज आप लोग पढ़ने वाले हैं। किपूर, अमित, सचिन, दीपराज, कुमारी, अभिजीत, सुभजीत, गुरजास, शिवानी, ये सारे बच्चे, हिमांशु, ये सारे प्यारे प्यारे बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो अनअकैडमी रेलवे की क्लासेस आपकी 9 बजे होती है, और ये जो एसएससी वाली क्लासेस आपके दोपहर के 12 बजे होती थी, अब दोपहर के 2 बजे होने लग गई है। ठीक है, अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस का और यूट्यूब की क्लासेस का टाइम जो हुआ है वो आपस में एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, तो एसएससी की जो अनअकैडमी क्लासेस है वो दोपहर के 2 बजे होने लग गई है, और जो अब दोपहर के 2 बजे होती थी, हमने वापस अपना 2 बजे की जगह दोपहर के 12 बजे टाइम ले लिया। तो आपकी रेलवे की क्लासेस कल से फिजिक्स की दोपहर के 12 बजे होगी, और बायो आपकी शाम के 6 बजे चली रही है। ये चल रही है आपकी वाईफाई स्टडी पे। ठीक है, वाईफाई स्टडी पे क्या चल रही है आपकी? ये आपकी फिजिक्स चल रही है और ये आपकी बायो चल रही है। 5000 MCQ की सीरीज जो आपकी चल रही है वो वाईफाई स्टूडियोज पे चल रही है। इसको लगा डाला था झिंगा लाला, बिल्कुल सही। और अगर आप PRIYA08 कोड यूज कर सकते हो किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए तो कीजिए, क्योंकि आपको इससे 10% का डिस्काउंट मिलता है। 10% डिस्काउंट के लिए PRIYA08 कोड यूज कीजिएगा। और सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इस सबसे पहले क्वेश्चन में आप लोगों के लिए है, गुरजास रुक जाओ मैं करवाऊंगी। व्हाई इज ब्यूफोर्ड स्केल इज यूज? ब्यूफोर्ड स्केल का उपयोग किया जाता है स्पीड को नापने के लिए, चाल को नापने के लिए, या हवा का वेग नापने के लिए। मेजर द स्पीड ऑफ द विंड या वेलोसिटी ऑफ द विंड, टू मेजर द डिस्टेंस, दूरी को मापने के लिए, या टू मेजर द ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण को मापने के लिए। ब्यूफोर्ड स्केल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? पोल आप लोगों के सामने, मतलब ऑप्शन आप लोगों के सामने, अनअकैडमी वाली आदत हो चुकी है। यस यस मनोज, आज भी 6 PM वाली क्लास होगी। एक्चुअली आपकी यूट्यूब की क्लासेस जो होती है ना वो मंडे टू फ्राइडे तक होती है, सैटरडे संडे हम लोगों के स्पेशल शोज चलते हैं। बहुत सारे बच्चों ने बी आंसर दिया है, और बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। टू मेजर विंड वेलोसिटी, हवा का वेग मापने के लिए। ठीक है, हवा का वेग मापने के लिए किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? ब्यूफोर्ड स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है, ब्यूफोर्ड स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम डिपेंड अपॉन विच थिंग? स्पेक्ट्रम के दो रंगों के बीच में कोणीय प्रतिकरण किस पर निर्भर करता है, या किस चीज पे निर्भर करता है? एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन का कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन का कोण, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन को समझिए, और अगर इस क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं तब मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की तो आप आंसर बता दोगे। तो पहले मैं चाहती हूँ कि आप आंसर दो। ठीक है मैडम जी, आपको आज कुछ अलग अलग लग रहे हो सकता है, मेरे कुछ अलग अलग लगने पे ध्यान ना देके आप सिर्फ और सिर्फ अपनी समस्याओं पे ध्यान दें, यानी आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, डेविएशन डेविएशन डेविएशन, बहुत सारे बच्चे डेविएशन आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर सी काफी बच्चों ने दिया है, ए भी दे रहे हैं इसके बच्चे आंसर। ठीक है, तो बच्चे इसका जो राइट आंसर है वो है ए, एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन का कोण, विचलन का कोण इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्यों? इसका मतलब ये है बच्चों, देखिए मैं आपको फिगर दिखाती हूँ। बच्चों ये आपका एक प्रिज्म है, ठीक है, ये आपका एक प्रिज्म है, तो कोई भी जो एंगल, कोई भी जो लाइट है वो कितने एंगल पे, पहले तो ऐसी गई, ऐसे जाने के बाद ये थोड़ी सी ऐसे डेविएट हो जाती है, ऐसे जाने के बाद ये ऐसे नीचे की तरफ आ जाती है। ठीक है, यानी प्रिज्म के अंदर ये प्रिज्म है, तो पहले लाइट ऐसे जाएगी, फिर थोड़ी सी ऐसे होती है, फिर थोड़ी सी ऐसे होती है, तो जिस एंगल पे, जिस कोण पे डेविएट होती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, और जो लाइट जितना डेविएट होगी, जो लाइट जितना विचलित होगी, उसका तरंग धैर्य, उसका जो क्या कहते हैं, तरंग धैर्य है, जो उसका वेवलेंथ है वो उतना ही कम होता है, जो
जो कम डेविएट होती है उतना ज्यादा होता है, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एक क्लास में 5000 क्वेश्चन कैसे पॉसिबल हो सकता है, 24 घंटे में भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है आपसे बहुत ज्यादा दिल से रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसकी भाषा को समझने की कोशिश कीजिएगा। भाषा, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज पॉसिबल व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम विच थिंग, प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब संभव है जब प्रकाश किस चीज से प्रवेश करता है। आपसे पूछ रहा है कि अगर किसी भी चीज में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो वो कैसे संबंध है, परावर्तन होता है तो वो कैसे संभव है, कैसे हो सकता है, जब या तो वो हवा से पानी में आए या पानी से हवा में जाए या दोनों ही हो जाए या इनमें से कोई नहीं। बेटा सौरभ आज 2 बजे क्लास इसलिए नहीं है क्योंकि हम वापस अपने पुराना टाइम ले चुके हैं, दोपहर के 12 बजे वाला, कल से दोपहर के 12 बजे शुरू हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों ने ए आंसर दिया है और कुछ बच्चे सी आंसर दे रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है वॉइस क्लियर नहीं है। नीलम 2 बजे वाली क्लास अब दोपहर के 12 बजे हो जाएगी। उन्नीस साल के लग रहे, वजन कम कर रहा है इसलिए 18-19 साल के लग रहे हैं। चलो ध्यान से सुनो मेरी बात। सबसे पहली बात तो अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ए, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ए नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी। बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला लगाया हुआ जबकि ये वाला गलत है। क्यों? अगर आपसे पूछा जाए कि किस माध्यम में, ठीक है, किस माध्यम में, ध्यान से सुनना, किस माध्यम में क्या होता है बेटा, टी आई आर, अगर आप लोगों से पूछा जाए इन विच मीडियम, इन विच मीडियम, ठीक है, टी आई आर टेक प्लेस, तो आपका जवाब होगा डेंसर टू रेयर। ध्यान से सुनिएगा, डेंसर टू रेयर, ठीक है, सघन से विरल। बच्चों सघन का मतलब होता है भारी, डेंसर का मतलब होता है कोई भारी मीडियम, सघन से विरल। तो इसका एक एग्जाम्पल हो जाता है जो आप लोगों के क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप बोलते वाटर, ठीक है, जल से हवा, ठीक है, एयर, जल से हवा, आप लोग ये बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसका आंसर जो है बच्चों, इसका आंसर जो है वो बी है। ठीक है, इसका आंसर बी है बच्चों। बी क्यों है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसका आंसर बी इसलिए है क्योंकि बच्चों इसने पूछा है कि जब किसी, सपोज करो ये पाइप है, इसके अंदर टी आई आर हो रहा है, तो इसने पूछा व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम विच थिंग, जब कोई लाइट इसके अंदर एंटर करती है तो ये जो बाहर का मीडियम होता है ये रेयर होता है, ठीक है, ये विरल माध्यम से लेके सघन माध्यम के अंदर एंटर करती है। ये हो गया बच्चों एंटर करना, ये हो गया एंटर करना, ठीक है। किस में एंटर करती है? डेंसर में एंटर करती है, सघन माध्यम में एंटर करती है। कहती बात समझ में? तो ये वाला मीडियम हो गया आपका एयर का, हवा का, और ये वाला मीडियम हो गया आपका वाटर का। और अगर वो पूछता कि किस माध्यम में टी आई आर होता है, तब आप बोलते कि लाइट आती है, आने के बाद फंस जाती है और फंसने के बाद बाहर निकलती है, तो वो डेंसर, ठीक है, सघन से विरल फंसता है। और इन चीजों का जवाब कोई भी बच्चा तभी बता पाएगा जब थोड़ा सा वो गहराई से पढ़ा हो इस टॉपिक। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप लोग दोपहर के 12 बजे आ सकते हो। बहुत ही भली बात है, आप लोगों को ये बात समझाई जाएगी जल से हवा में। तो इसको मैंने प्रॉपर पूरा समझाने की कोशिश की है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ठीक है। अब वो पूछे कहां से आई, तो एयर टू वाटर, यानी रेयर टू डेंसर, गई कहां से, डेंसर टू रेयर, ठीक है, सघन से। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है द अनडायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ एन पी एन जंक्शन इज यूजफुल फॉर इट्स यूज एज थिंग्स, पी एन जंक्शन की उप्रत्यक्ष संपत्ति किस चीज के उपयोग के लिए उपयोगी, एम्पलीफायर, डायनेमो, रेक्टिफायर या सभी।
जो ये पीएन जंक्शन की प्रॉपर्टी है ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? एम्पलीफायर के लिए, डायनामो के लिए, रेक्टिफायर के लिए, इनमें से सभी? बच्चों सेमीकंडक्टर अर्धचालक का एक चैप्टर है, उसी में से एक ये क्वेश्चन है। कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन आप ग्रुप डी में देखने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चे पीडीएफ की जिज्ञासा कर रहे होंगे, तो जब क्लास खत्म होगी तो आपको 10 मिनट बाद ही कमेंट बॉक्स में आपका पीडीएफ दिखाई दे जाएगा, लिंक पे क्लिक कर लेना बस। सुमता, साइंस स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है, सबसे पहले थ्योरी पढ़ो। थैंक यू एसएससी लवर। नूर अली, 12 से 2 टाइम इसलिए चेंज किया गया था कि भुवनेश्वर का अन अकेडमी पे कोई क्लास आया था, जिसकी वजह से उन्हें यूट्यूब का सेशन चेंज करना था, फिर वो मुझे टाइम सूट नहीं किया, तो इसलिए मैंने अपना वापस टाइम ले लिया, और कुछ नहीं है, वो हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग है, वो हो गया था हमारा ऑल। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं ऑल, ठीक है, फोर्थ का आंसर बहुत सारे बच्चे ऑल, ठीक है। एम्पलीफायर में भी इस्तेमाल होता है, डायनो में बच्चों मेनली यूज जो होता है ये रेक्टिफायर में यूज होता है। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर डायोड का इस्तेमाल होता है, और वो डायोड होता है पी एन जंक्शन, ठीक है। अब रेक्टिफायर जो होता है बच्चों वो एसी को डीसी में, और एसी टू डीसी एंड डीसी टू एसी में बदलता है। हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर होता है, एसी को डीसी में और डीसी को एसी में बदलता है, ठीक है। हाँ, बायो का पीडीएफ इसलिए डाउनलोड नहीं होता क्योंकि बायो को तो मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाती हूँ, इसलिए आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। इतना तो कर सकते हो यार, मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ। विच एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट जीरो इज कॉल्ड? निरपेक्ष शून्य पर इलेक्ट्रॉन की किस ऊर्जा को कहा जाता है? विच एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट जीरो इज कॉल्ड? जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। फीस क्या है अभिषेक? फीस आपको प्लस कोर्स में दिख जाएगा, आपके ऊपर है कि आप 2 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, 3 महीने का, 6 महीने का, या फिर 1 साल का या 2 साल का। प्रिया 08 कोड यूज कर लेना, मेरे अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स के टीचर सारे आपको दिखाई दे जाएंगे। विच एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट जीरो इज कॉल्ड? बच्चों फर्मी एनर्जी को एब्सोल्यूट जीरो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, फर्मी एनर्जी, इसका आंसर था डी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही साधारण क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको याद रखना है। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम? दृश्यमान स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य क्या है? अब विजिबल लाइट क्या होती है? जिस लाइट को हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, जैसे सूरज की रोशनी, लैपटॉप की लाइट, मोबाइल की लाइट, क्या कहते हैं, ट्यूब की लाइट, बल्ब की लाइट, ये सारी जो लाइटें हम देख सकते हैं उसका स्पेक्ट्रम क्या है, यानी ये कितने से कितना इसका तरंग दैर्ध्य होता है, कितने तरंग दैर्ध्य, इसकी लंबाई क्या होती है, कहां तक ये चलती है, आपसे ये पूछा गया है। तो ए बी सी डी जल्दी में जवाब दीजिए फटाफट से, और ये आंसर आप लोगों का सही आना चाहिए, गलत बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। स्किप कह रहे हैं, स्किप कर दिया। बसंता फोटोग्राफी, शाम के 6 बजे आपका क्लास हो जाएगा, शाम के 6 बजे आपका वाईफाई स्टडी पे क्लास है। कौन कह रहा है वाईफाई स्टडी पे, तो हमेशा क्लास होता है बेटा आपका, सिर्फ आज वो टाइम चेंज हुआ है। मेरा बर्थडे आज नहीं बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है 3900 से लेके 7600 आंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 3900 से लेके 7600 आंगस्ट्रॉम होता है। सबके अलग अलग है, देखो रेड की अलग है, येलो की अलग है, ऑरेंज की अलग है, हरा की, नीले की, इंडिगो की, वायलेट की, 7 रंग की अलग अलग है, 7 रंग की फ्रिक्वेंसी अलग अलग दी हुई है। अगला क्वेश्चन, व्हेन, आइए जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट से। वी कैन नॉट सी ड्यूरिंग अ फॉग, व्हाई? हम कोहरे के दौरान नहीं देख पाते क्योंकि बहुत स्मॉग होता है, स्मॉग के कारण। आर आई कैन नॉट सी फॉग, हमारी आंखें धुंध को नहीं देख सकती या कोहरे को नहीं देख सकती, बिखराव के कारण, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको विकरण के कारण, भी बोल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बिकॉज फॉग इज मोर डेंस, क्योंकि कोहरा अधिक घना होता है इसलिए। तो बताइए कोहरे के समय हम लोग क्यों नहीं देख पाते हैं? तो विजिबल लाइट का क्या होता है? 3900 से लेके 7600 आर्मस्ट्रांग तक होता है।
जैसे बताइए कोहरे के समय आप लोग क्यों नहीं देख पाते? बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं क्योंकि स्मॉग होता है थोड़ा, इसलिए नहीं देख पाते। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं क्योंकि कोहरा ज्यादा घना होता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, विकिरण के कारण से हम लोग देख नहीं पाते। अब विकिरण के कारण से क्यों नहीं देख पाते? वॉटर ड्रॉपलेट्स एज दे आर प्रेजेंट इन द फॉग ऑल्सो स्कैटर द लाइट, दे फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्ट टू अ व्यूअर कैन स्कैटर है। ध्यान से सुनो, सपोज करो ये फॉग है, ये धुंध है, तो इसमें छोटी 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 ड्रॉपलेट होती है, और जब इस ड्रॉपलेट के ऊपर लाइट पड़ती है तो ये लाइट वापिस भेजता है। जैसे सपोज करो हल्की हल्की धुंध है, उसमें छोटी 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 पानी के ड्रॉप होंगे, जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो लाइट टकरा के हमारे पास वापिस आती है, जब वो लाइट टकरा के हमारे पास वापिस आती है तो हमारी आंखों पे लगती है, जिसकी वजह से हम लोग धुंध में देख नहीं पाते। बिल्कुल ऐसा लग रहा है अगर रात का सीन कर दो तो गुमनाम है कोई, ठीक है, तो स्कैटरिंग की वजह से। हाँ, फोग घना होता है लेकिन देख क्यों नहीं पाते? इसी वजह से। वॉट विल बी इफ अ पेंडुलम क्लॉक बी टेकन फ्रॉम द अर्थ टू अ रिवॉल्विंग आर्टिफिशियल सेटेलाइट? क्या होगा यदि एक पेंडुलम घड़ी को पृथ्वी से एक घूमती हुई कृत्रिम उपग्रह पर ले जाए? यानी कहने का मतलब ये पृथ्वी के अंदर कोई पेंडुलम थी और इसके चारों तरफ कोई अब उपग्रह घूम रहा है, अब यहाँ पे हम लोग लेके चले गए, कोई सेटेलाइट वेटेलाइट है, ठीक है, कोई सेटेलाइट वेटेलाइट घूम रही है और यहाँ पे ले गए, और वो अब उसे लेके घूम रही है, तो अब क्या होगा? इट विल स्टॉप बट टाइम विल डिफरेंट, ठीक है, वो रुक तो जाएगी लेकिन समय अलग होगा, नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं होगा। इट विल स्टॉप टूगेदर, यह एक साथ बंद हो जाएगी, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, यस, इसका जो राइट आंसर है इट विल स्टॉप टुगेदर, कहने का मतलब पेंडुलम क्लॉक तो रुकेगी रुकेगी, उसका समय भी वहां से चलना जो था वो भी रुक जाएगा, समय डिफरेंट नहीं होगा, वहीं पे रुक जाएगा। जैसे ही वो पृथ्वी से बाहर जाएगी वैसे ही पेंडुलम क्लॉक किसी दूसरे उपग्रह पे जाके, किसी सेटेलाइट पे जाके रुक जाएगी, ठीक है, किसी सेटेलाइट पे जाके रुक जाएगी। अगला, बाय विच फैक्ट इज न्यूक्लियर फीजन कॉज्ड? ठीक है, परमाणु विखंडन किस तथ्य के कारण होता है? बच्चों ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ, और इससे रिलेटेड जो भी तथ्य है, जिससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो आपको पढ़ के जाने हैं, क्योंकि अब की बार न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, परमाणु विखंडन के बारे में जरूर आएगा और आपको पढ़ के जाना है। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिए, कि शेयरिंग इज केयरिंग होती है। जल्दी से बच्चों सभी के सभी बच्चे एक बार इस सेशन को लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के साथ साथ इस सेशन को शेयर भी कर दीजिए। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या फोटोन? मैक्सिमम बच्चों ने न्यूट्रॉन लिखा, एक बच्चे ने गलती से नाइट्रोजन टाइप कर दिया। यस, नो ग्रेविटी एंड नो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स, एसएससी लेवल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, ए ए ए ए आंसर आया। मतलब एक भी बच्चा ऐसा नहीं है, सिर्फ एक दो स्टूडेंट ने इसका आंसर इलेक्ट्रॉन दिया है। जब पॉल्यूशन होता है तो आई में जलन क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारी आंखों को लगता है, क्योंकि आंखें जो है वो सबसे सेंसिटिव एरिया है हमारे ऑर्गन का, कि कोई भी रेडिएशन सबसे पहले आईज को अफेक्ट करेगी, ठीक है। बच्चों ध्यान से सुनो, बच्चों इसका आंसर जो है वो न्यूट्रॉन है, ठीक है। परमाणु विखंडन का जो कारण होता है न्यूट्रॉन होता है, क्यों? क्योंकि एक जो यूरेनियम होता है, यूरेनियम, ये मैंने आप लोगों को सिखाया है, ये क्या होता है बच्चों, यूरेनियम होता है, ये जो यूरेनियम होता है ये दो हिस्सों में टूटेगा। कैसे टूटेगा? जब एक न्यूट्रॉन की इसके ऊपर बॉम्बार्डिंग हो, जब एक न्यूट्रॉन की इसके ऊपर बॉम्बार्डिंग होगी, इसके ऊपर न्यूट्रॉन फेंका जाएगा यूरेनियम के ऊपर, तब ये यूरेनियम टूट जाएगा दो हिस्सों में, इसका विखंडन हो जाएगा। एक तो टूटेगा बेरियम में, ये मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, और एक टूटेगा क्रिप्टॉन में, क्रिप्टॉन में। तो क्या है, बेरियम में टूटेगा और क्रिप्टॉन में टूटेगा। तो मैंने भारत का क्या बताया, 56 इंच का सीना है ना, कैसे बताया था, बीए, भारत का 56 इंच का सीना, कैटरीना की 56 इंच की कमर,
ठीक है, और ये 92 हो जाता है, ये मैंने आप लोगों को सिखाया था। तो एक यूरेनियम की वजह से ये दो हिस्सों में टूट जाता है, बॉम्बार्डिंग होती है। लेकिन आप लोगों से ये भी पूछा जाएगा, जब भी टूटेगा तो काम बिगाड़ दिया ना, तो तीन तिगाड़े काम बिगाड़े। अब काम कौन बिगाड़ रहा है? न्यूट्रॉनिक तोड़ रहा है, तो न्यूट्रॉन ही काम बिगाड़ रहा है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि टूटने के बाद कितने न्यूट्रॉन बचते हैं? तो आप बोलोगे टूटने के बाद तीन न्यूट्रॉन बचते हैं, टूटने के बाद तीन न्यूट्रॉन बचते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसको ऐसे करके तोड़ देता है, एक इसमें तोड़ दिया, एक इसमें तोड़ दिया, किसने? एक न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन, कॉमेट रिवॉल्व अराउंड विच बॉडी? जो धूम केतु होते हैं वह किस पिंड के चारों तरफ घूमते हैं? जो कॉमेट्स होते हैं वो किसके चारों तरफ घूमते हैं? पृथ्वी के, अर्थ के, मून के, चंद्रमा, सन, सूर्य, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। एसएससी लवर ऑब्वियसली बात है, मैं एक बात रिपीट करती करती थक गई। अरे आओ ज्वाइन करो स्पेशल क्लासेस, 10 क्लासेस ज्वाइन करो अनअकैडमी पे और सीखो फिजिक्स। थैंक यू सौरभ। अक्षय एनटीपीसी के लिए एनसीईआरटी नहीं करनी, जितना हो सके एमसीक्यू प्रैक्टिस करो और थ्योरी को कंप्लीट करो। ठीक है अक्षय बेटा, मैंने आपको रिप्लाई दे दिया, जितना हो सके। देखो यार ये गुमराह मत करना, ठीक है, गुमराह मत होना, करना नहीं गुमराह मत होना कि एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी का एक बेस रहता है कि हाँ भाई इसी के कॉन्सेप्ट को हम लोग उठाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है आप लोगों को बिल्कुल भी, आप लोगों को एमसीक्यू लगाने और थ्योरी पढ़नी है बस। बच्चे अगर कोई भी कॉमेट किसी के चारों तरफ घूमता है तो वो सन होता है, सूर्य के चारों तरफ धूमकेतु घूमते हैं, कॉमेट घूमते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से कॉमेट घूमते हैं, ये इस प्रकार से सूर्य के चारों और कॉमेट घूमते हुए दिखाई देते हैं, बीच में सूरज है। हाँ कॉमेट जो है वो सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है बट सन के चारों तरफ घूमता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर? अब बच्चों मैंने आप लोगों को अभी अभी जो यूरेनियम बताया था कि यूरेनियम दो हिस्सों में टूट जाता है, न्यूट्रॉन उसको तोड़ता है, तो वो कहाँ काम आता है? वो न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है, क्योंकि यूरेनियम को तोड़ के हम लोग बिजली बनाते हैं। हम एटम बॉम्ब भी का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर? मॉडरेटर के रूप में, ठीक है, परमाणु रिएक्टर में निम्नलिखित में से उपयोग मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है आप लोगों से पूछा गया है। मॉडरेटर का मतलब होता है मंदक। ठीक है, जब यूरेनियम टूटता है, ध्यान से सुनना, एक न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डिंग होती है, यूरेनियम क्रिप्टन और बेरियम में टूट जाता है जो कि मैंने अभी बताया, तो तीन न्यूट्रॉन छोड़ता है। तीन न्यूट्रॉन आगे चल के ये चेन रिएक्शन करेंगे, एक न्यूट्रॉन को तो चेन रिएक्शन इनको स्टॉप किया जाता है वरना ये आगे एटम को तोड़ते चले जाएंगे। तो तोड़ने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? अमर बायोलॉजी चल रही है शाम की 6 बजे वाईफाई स्टडी में। कौन सी वाली आशीष? बेटा एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों ही सेम है, टेंशन मत लो। बहुत सारे बच्चों ने ये बोला, बिल्कुल सही, ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ बच्चों कैथोड रोड का भी इस्तेमाल किया जाता है। कैथोड कह रही हूँ कैडमियम की रॉड का, कैडमियम रॉड का भी इस्तेमाल किया जाता है या कैडमियम रॉड का इस्तेमाल किया जाता है, पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है, चलिए भारी जल, ये देखिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, कैडमियम रॉड का भी इस्तेमाल किया जाता है। Which element that does not occur in nature but can produce artificially? ऐसा कौन सा तत्व है जो हमारी प्रकृति में तो नहीं पाया जाता लेकिन हम उसको आर्टिफिशियली पैदा कर सकते हैं? जल्दी से बताइए। कोल, गोल्ड, यूरेनियम, प्लूटोनियम। अगर सोने को आर्टिफिशियली पैदा किया जा सकता तो बस हद हो जाती फिर तो। आशीष बेटा कौन से वाली बुक? बहुत सारी बुक है मेरे लिए, 3-4 लिख रखी है मैंने तो। यस ग्रेफाइट नटराज की पेंसिल में भी होता है, ग्रेफाइट, हैवी वाटर, कैडमियम रॉड, CO2 कूलेंट के रूप में, बहुत बढ़िया। साइंस की काली किताब अभी टाइपिंग पे गई हुई है लेकिन अभी नॉर्मल किताब है, अमेज़न पे आउट ऑफ स्टॉक है। आयरन ललित, आयरन का यूज नहीं किया जाएगा, बोरोन भी यूज किया जाता है, कंट्रोल रूट्स, हेमंत चेरी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। प्लूटोनियम, कोल नहीं होता।
ना तो कोल को दोबारा पैदा कर सकते हैं आप, कोल को तो, अच्छा कोल को आर्टिफिशियली आप पैदा ही नहीं कर सकते, यूरेनियम को पैदा नहीं कर सकते, गोल्ड को पैदा नहीं कर सकते, बच्चों प्लूटोनियम को पैदा कर सकते हैं, क्योंकि प्लूटोनियम जो है वो एक मैन मेड रेडियो एक्टिव मेटल है। ठीक है, मनुष्य द्वारा बनाया गया रेडियो एक्टिव धातु है बच्चों। ठीक है, अभी साइंस की काली किताब तो अभी साइंस की काली किताब टाइपिंग होने गई है, टेंशन ले लो। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच रॉक इज ट्रांसफॉर्म इनटू मार्बल। इनमें से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ज्योग्राफी का भी मान लो, साइंस का भी मान लो, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि इनमें से ऐसी कौन सी चट्टाने हैं, ऐसी कौन सी रॉक है जो मार्बल में बदली जाती है, जो संगमरमर का पत्थर आप लोग घर में लगवाते हो तो इनमें से कौन सी मार्बल में बदली जाती है। शुभम राव आप टीचर है या राइटर है? मैं दोनों हूं, मैं टीचर भी हूं, मैं राइटर भी हूं। नूर अली जल्दी मिलेगी आपको, बस टेंशन मत। यस नागेश, डेली क्लासेस होती है 3:30 बजे। नहीं, यूरेनियम को आप मैन मेड मतलब आर्टिफिशियल इस तक पैदा नहीं कर सकते। सौरभ, फिश जो होती है पानी में सांस कैसे लेती है? फिश अपने गिल्स के द्वारा पानी में सांस लेते हैं, गिल्स से वो पानी से ऑक्सीजन ले लेती है क्योंकि H2O होता है पानी। ठीक है, नहीं शुभम बेटा वो नहीं पढ़ता, बहुत खराब है। यस, बहुत सारे बच्चों ने दिया एक इग्निशियस रॉक दिया, लाइमस्टोन उसका आंसर है, चूना पत्थर। बच्चों जो आप मार्बल इस्तेमाल करते हो घर के अंदर वो चूना पत्थर होता है। कौन सा होता है बच्चों? चूना पत्थर, चूना पत्थर जो आप घर में इस्तेमाल करते हो। ठीक है, चलिए, मेटामॉर्फिक रॉक से ये प्राप्त होता है, मेटामॉर्फिक रॉक। When temperature is gradually decreased, what is the specific heat of substance? जब तापमान धीरे धीरे कम हो जाता है तो उसका विशिष्ट ताप पदार्थ क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, इनमें से कोई नहीं, या फिर none of these, no effect. Yeah, मधु, this is 4 NTPC also. Also used in Taj Mahal. Yes, Nisha, बहुत बढ़िया. Sorry, Rohit. कोई बात नहीं ईशा, ठीक है, आइए गुरजास, मैंने आपको तभी बताया आप ज्वाइन कर लो एसएससी कैटेगरी वालों, 2-3 बार बता चुकी हूं मैं आपको, आप एसएससी कैटेगरी में ज्वाइन कर लो, परेशान मत हो। बायो में ब्लड चल रहा था, बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है डिक्रीज, इसका राइट आंसर है डिक्रीज। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं होता तो इसका आंसर नहीं है, घट जाता है। तो ग्रेजुअली जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो इसकी स्पेसिफिक हीट भी घट जाती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच मेटल इज नॉन टॉक्सिक इन नेचर। इसमें से ऐसा कौन सा धातु है जो नॉन टॉक्सिक है, यानी प्रकृति में गैर विषैला, वैषैला नहीं है, विषैला नहीं है, नॉन टॉक्सिक है? गोल्ड, क्रोमियम, कैडमियम या कोबाल्ट, जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रकृति में विषैला नहीं है, टॉक्सिक नहीं है। पानी में ग्रीन क्यों दिखाई देता है? एक तो जब आप पानी में कूदते हो तो नीचे प्लांट्स भी होते हैं, अगर आप सी की बात कर रहे हो, ठीक है, अगर आप नॉर्मली किसी जगह की बात कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें फिर टाइल्स लगे होते हैं, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। मैम दिल्ली पुलिस के लिए कौन सी बुक है आपकी? आशीष वैष्णवी पब्लिकेशन डाल देना अमेजन पे, मेरी बुक आ जाएगी दीपी की। ठीक है, यस सौरभ जी बिल्कुल है, प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मधु जी, क्लास मेरी रोज 3:30 बजे होती है, रोज 3:30 बजे मेरी क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे, यूज कोड PRIYA08 और आप साइंस स्पेशल बैच में आ जाइए रेलवे क्लासेस में। बच्चों इसका जो सही आंसर है, क्रोमियम जो है वो नॉन टॉक्सिक होता है नेचर के अंदर, ठीक है, बाकी सारे के सारे टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, चलिए,
द इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ विच रिजल्ट इन द कंडीशन ऑफ माइल सेक्सिडेमा इन ह्यूमन बींग, अनुचित कार्य जिसे परिमाण स्वरूप मानव प्राणियों में माइजेक्डेमा की स्थिति उत्पन्न होती है, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, बोथ पीनियल ग्लैंड। जल्द से बताइए, ये एक बीमारी है जिसे बोलते हैं माइजेक्डेमा, ठीक है। ये बीमारी जब भी कभी इंसान के अंदर उत्पन्न होती है तो ऐसे क्या चीज होती है जो उसके अंदर प्रॉपरली नहीं हो रही है, सही से काम नहीं कर रही है। गुरजास आपने कुछ कहा नहीं बेटा, पर आपके फायदे के लिए कुछ बताया मैंने। हाँ हिमांशु, बायो ज्यादा आती है, फिजिक्स आती है, उसके लिए आप शाम के 6 बजे आ जाइए। अतुल, एनटीपीसी के लिए आपकी बुक लिखी जा रही है। लेकिन एसएससी लेवल उसके अंदर तांबा मिला हुआ है। बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड में अगर थोरेक्सिक हार्मोन ढंग से काम ना करे तो माइजेक्डीमिया की एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है किसी भी इंसान के अंदर, और ये जो गला होता है, जो नेक होती है, ये सूज जाती है, आगे से ये सूज जाती है, और थायराइड जो होता है इंसान को वो हो जाता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन इसके अंदर काम नहीं करता, थायराइड हार्मोन पैदा ही नहीं होता। अगला क्वेश्चन, विच कैन बी यूज फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोज, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है, गैमेक्सिन, गैम्बूजिया, ठीक है, डी ओट, ठीक है, या डॉट सी, डॉट सी, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए। यानी अगर मच्छरों पर नियंत्रण रखना है तो हमें किस चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऋतिक, 2 बजे वाली क्लास अब दोपहर के 12 बजे होने वाली है, कम्युनिटी लगा दूंगी मैं। अभिजीत, पहले एनटीपीसी का ही बुक आएगा, दिल्ली पुलिस का उससे पहले आ गया था, आप ये एनटीपीसी की बुक ही ले आ गए, आपको टेंशन मत लो, मतलब मुझे पता है कि आपकी बात ताबातोड़ बुक जाने वाली है ये वाली। बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है गैम्बूजिया, ठीक है। गैम्बूजिया का इस्तेमाल हम लोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण बायोलॉजिकल कंट्रोल में करते हैं ताकि ये और पैदा ना हो, ठीक है। चलिए, इन विच इज अ फुट एंड माउथ डिसीज फाउंड, ठीक है, फुट एंड माउथ डिसीज किसमें पाई जाती है, कैटल्स में, इंसानों में, क्या कहते हैं, बर्ड्स में, पक्षियों में, या रेप्टाइल्स में, सरीसृप में, फुट एंड माउथ डिसीज किसमें पाई जाती है। बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है कैटल्स, मवेशियों में फुट और माउथ डिसीज पाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा काऊ, ठीक है, मतलब गाय या सुअर, पिग, शिप, गोट, ठीक है, डियर या अदर एनिमल, इन लोगों के अंदर ये पाई जाती है, ठीक है। एफएमडी इज नॉट ए पब्लिक हेल्थ और फूड सेफ्टी थ्रेट, ये हम लोगों के लिए थ्रेट नहीं है, लेकिन ये इन जानवरों के अंदर पाई जाती है। इन विच एनिमल इज रेस्पिरेशन डन बाय स्किन, इनमें से ऐसा कौन सा जानवर है जो त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, हम लोग तो फेफड़ों के द्वारा करते हैं, तो इनमें से कौन सा है जो त्वचा के द्वारा, स्किन के द्वारा श्वसन करता है, जल्दी से बताइए। मुझे कुल 15 दिन का टाइम दो, आपके हाथ में बुक आ जाएगी। नवंबर में है अलका कुमारी एग्जाम। बच्चों इसका जो राइट आंसर बताया, बहुत सारे बच्चों ने फ्रॉग बताया, बिल्कुल फ्रॉग जो होता है, जो मेंढक होता है, वो त्वचा से भी सांस ले सकता है, ठीक है। तो फ्रॉग कहाँ कहाँ से, फ्रॉग एक एम्फीबियन है जो त्वचा से सांस ले सकता है, कहाँ से सांस ले सकता है, त्वचा से, ठीक है। चलिए, ड्यू टू द बाइट ऑफ मैड डॉग द डिसीज हाइड्रोफोबिया इज कॉज बाय विच वायरस, पागल कुत्ते के काटने के कारण से रोग हाइड्रोफोबिया किस वायरस के कारण से होता है। बच्चों अगर ये क्वेश्चन नहीं बता सकता कोई, उल्लू भर पानी में डूब मत,
चिल्लू और पानी में डूब पड़ता। क्यों कहते मैम आप ऐसे क्यों बोलते हो, जब भी अनअकैडमी पढ़ाते हो तो भी ऐसे बोलते हो। ठीक है, जैसे मैंने आज पूछा कि चाइना और भारत के बीच में कौन सी लाइन है, बच्चे वो भी नहीं बता पाए। अब चाइना और भारत बोलते हैं चाइना का बायकॉट करो, अरे तो जान लो चाइना और भारत के बीच में कौन सी एक लाइन खिंची हुई है। इसी तरह से पागल कुत्ते के काटने से एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगता है, तो ये कौन सी वायरस से होता है। अभी इसमें भी बहुत महारथी ऐसे आ जाएंगे जो आंसर अलग बताएंगे। दुराली फालतू में पिलाते हैं, कोबरा बीमार हो जाएगा अगर कोबरा को दूध पिलाएंगे तो, क्योंकि उनमें रहने एंजाइम होता ही नहीं है। भगवान की दुआ से लगभग अगर मैं देखूं तो एक भी बच्चे का आंसर कुछ और नहीं है। ठीक है, मैकमोहन लाइन बिल्कुल चाइना और भारत के बीच में। बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है रेबीज। ठीक है, तो रेबीज वायरस से हाइड्रोफोबिया नाम की बीमारी होती है। ठीक है, ये कुत्तों से होती है और ये बंदर से भी हो सकते हैं। इसमें इंसान पानी से डरता है क्योंकि तो पागल कुत्ते के काटने से होती है, और जरूरी नहीं कि पागल कुत्ते के काटने से ही हो। सबसे पहली और आखिरी बात कि आप PRIYA08 कोड यूज कीजिएगा और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बाकी आप लोग मेरे साथ दोपहर के 12 बजे और शाम के 6 बजे जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी पर। दोपहर के 12 बजे और शाम के 6 बजे जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी पर। दूसरी बात है कि सुबह 9 बजे आपकी रोज रेलवे की क्लासेस हो रही है, और जो 12 बजे थी वो आप 2 बजे हो गई। आपकी SSC की क्लासेस है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से जल्दी। शिवम उसके लिए आप कोई भी प्रैक्टिस सेट मार सकते हो, किसी भी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट ले लो, वो फिर प्रैक्टिस सेट है। चमगादड़ से भी होता है रेबीज, चमगादड़ से रेबीज नहीं होता। ठीक है, अमर 12 बजे फिजिक्स का क्लास चलता है, शाम के 6 बजे बायो का क्लास चलता है। तो आज शाम के 6 बजे मेन वाईफाई स्टडी के चैनल पे आना ना भूले। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ ब्लड ग्रुप। तब तक के लिए सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाकी जवाब मैं आपके कल की क्लासेस में 3:30 बजे दूंगी। इसका PDF आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।